Amazon Kickstarter deals are live. Check links in description box. Hi everyone, welcome back to my channel. This is me, Shiny. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फेस्टिव ज्वेलरी हॉल. फेस्टिव सीजन इज राउंड द कॉर्नर. कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा आने वाला है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ Amazon से जो 300 रुपीस के अंदर ज्वेलरी सेट्स है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ. ये काफी अफोर्डेबल है, एट द सेम टाइम आपको पूरा सेट मिल जाएगा. सो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. मेक श्योर वीडियो को आप पूरा देखें. वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. वैसे तो Amazon पे Kickstarter डील्स लाइव हो चुकी है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें. मैंने सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स, इस सेल के बारे में सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है. सो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द ज्वेलरी दैट आई एम वेयरिंग टुडे. ये एक खूबसूरत सा चोकर है एंड आजकल पर्ल चोकर्स ट्रेंड में है एंड इसीलिए मैंने ये वाला ट्राई किया है फ्रॉम Amazon एंड दिस इज रियली अफोर्डेबल. ये इतना अच्छा एक ज्वेलरी सेट है, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है. ये है फ्रॉम द ब्रांड शाइनिंग डिवा एंड इस तरीके का एक कार्डबोर्ड केस में ये ज्वेलरी आया था. इसके ऊपर पूरा बबल रैप था, प्लास्टिक रैप था. सो जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, एट द सेम टाइम पैकेजिंग भी काफी अच्छी है. सो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा एंड ये आप इस तरीके के एथनिक वेयर के साथ इजिली कैरी कर सकते हैं. नेक्स्ट जो ज्वेलरी है वो भी बहुत ही खूबसूरत है. ये ऑस्ट्रेलियन जो क्रिस्टल्स है उससे बना हुआ है एंड द क्वालिटी इज सुपर्ब. और इसके साथ आपको कोई इयररिंग नहीं रिसीव होगी क्योंकि इसके साथ इयररिंग की कोई जरूरत ही नहीं है. ये जो नेक पीस है ये एज इट इज ही इतना खूबसूरत लगेगा और आपके पूरे लुक को चेंज कर देगा. ये आप किसी भी एथनिक लुक के साथ भी वेयर कर सकते हैं या फिर आप किसी वेस्टर्न लुक के साथ भी इसे वेयर कर सकते हैं. किसी भी ब्लैक गाउन के साथ इट विल लुक अमेजिंग. और ये पीस आप लोग देखिए, इतना अच्छा इसका क्वालिटी है ना, और ये नेक पर एकदम सेट हो जाता है. सो ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपके बॉडी को एलिवेट करेगा. अगर आप इस तरीके का कोई भी स्वीट हार्ट नेक पहन रहे हैं, कोई डीप कट नेक पहन रहे हैं, तो उसके लिए ये नेक पीस बहुत ही खूबसूरत लगेगा. ये है फ्रॉम द ब्रांड यू बेला. यू बेला के काफ़ी सारे वेस्टर्न ज्वेलरीज को मैंने पहले भी ट्राई किया था फ्रॉम Amazon. दीज आर ऑफ अमेजिंग क्वालिटी. इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, दैट्स वाई आई वेंट फॉर इट. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो यू वॉन्ट टू रिग्रेट. Amazon से ज्वेलरी हॉल्स मैंने बहुत सारे शेयर किए हैं और उनमें से ज्यादा मैंने जावेरी पर्ल्स ब्रांड से खरीदे थे. आजकल चोकर्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में है एंड पर्ल चोकर्स ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल. तो मैंने ये वाला पर्ल चोकर जो कि सिर्फ पर्ल में है, इसमें 4 चेन्स हैं, ये लिया है और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे. इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड इसके साथ आपको इस तरीके के छोटे छोटे पर्ल्स के इयररिंग्स मिलेंगे जो कि स्टड इयररिंग्स हैं, बट इट विल कॉम्प्लीमेंट योर लुक वेरी नाइसली. ये आप हेयर को ना बन जैसा टाई कर लीजिए और उसके बाद आप इसे वेयर कीजिए. किसी भी इंडियन या फिर वेस्टर्न आउटफिट के साथ आप इस नेक पीस को वेयर कर सकते हैं. काफ़ी अच्छी तरीके से आपके लुक को बैलेंस आउट करेगा. और ये ना एजड पीपल के लिए, अगर आप अपनी मम्मी के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो भी ये अच्छा लगेगा क्योंकि एजेड पीपल को ना इस तरीके के ज्वेलरीज काफी डिसेंट, क्लासी एंड अमेजिंग लगते हैं. अब देखिए, फेस्टिव सीजन तो कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है. कुछ दिनों में महालया है, फिर दुर्गा पूजा, फिर दीपावली, लक्ष्मी पूजा, कितने सारे पूजा है सामने एंड देन वेडिंग सीजन. तो इसीलिए ये एकदम परफेक्ट टाइम है टू स्टॉक अप ऑन योर ज्वेलरी ताकि जो आने वाला फेस्टिव सीजन है उसमें आप सॉर्टेड रहो. फिर वेडिंग सीजन भी है, उसमें भी आपका जो ज्वेलरी कलेक्शन है वो एकदम सॉर्टेड रहे. इसीलिए मैंने ना हर तरीके का ज्वेलरी इस बार ट्राई किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न ज्वेलरी टू इंडियन ज्वेलरी. तो ये जो ज्वेलरी है ना, ये एकदम वेडिंग काइंड ऑफ एक ज्वेलरी है. ये जो ज्वेलरी है आप लोग देखिए, इसका पैकेजिंग काफी अच्छा था. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फ्रॉम द ब्रांड सुखी एंड इसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी. ये जो बीट्स है ना, ये अगर रेड कलर में नहीं होता, ये अगर व्हाइट कलर में जैसे पर्ल लुक देता तो और अच्छा लगता. नेवर्थलेस ये जो पोर्शन है ना, ये आपके नेक के पीछे दिखेगा, सो इट वॉन्ट बॉदर यू एट ऑल. फ्रंट पोर्शन में कुंदन का काम है एंड इसका जो काम है ना वो काफ़ी डिटेलिंग में की गई है एंड क्वालिटी भी अच्छी है. इसके साथ आपको एक मांग टीका भी मिलेगा
इन दिस प्राइस रेंज. सो दैट्स अमेजिंग. क्वालिटी अच्छी है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लगा तो. जावरी पर्ल के जो ज्वेलरीज होते हैं ना, वो इस तरीके के प्लास्टिक बॉक्स में आते हैं. कार्डबोर्ड बॉक्स में कई काफी कम ज्वेलरीज आते हैं, बट इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्स में पर्ल ज्वेलरीज वगैरह मुझे रिसीव हुए हैं, तो ये बॉक्स काफी अच्छे होते हैं. कैरी करने में भी ईजी हो जाता है, एंड ऑल्सो ये काफी स्टर्डी भी है, एंड आप ज्वेलरी को इजिली स्टोर करके रख सकते हैं. सो नेक्स्ट मैंने ये वाला चोकर लिया है, एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है दैट्स हाई एंड. जावरी पर्ल ज्वेलरी आप आंख बंद करके खरीद सकते हैं. दीज आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, और इसमें फ्रंट में 5 इस तरीके के स्टोन्स है जो कि डार्क ग्रीन कलर में है, जो रेड के साथ भी इजिली कॉम्प्लीमेंट करेगा. कॉन्ट्रास्ट में आप रेड के साथ भी इसे वेयर कर सकते हैं, या फिर आप मैचिंग ग्रीन के साथ भी वेयर कर सकते हैं. व्हाइट पर्ल्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, एंड इसके साथ आपको इस तरीके के छोटे छोटे स्टड इयररिंग्स मिलेंगे इन ग्रीन कलर. सो आई थिंक ये एक काफ़ी क्लासी पीस है जो हर लुक को एलिवेट कर देगा. सो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं. प्राइस इज ऑल्सो वेरी लेस. असली जावरी पर्ल से अगेन मैंने एक ज्वेलरी लिया है जो कि इस कार्डबोर्ड केस में आया था. ये ऑस्ट्रेलियन डायमंड्स जो होते हैं ना, क्रिस्टल्स, उससे बना हुआ है. इसमें जो साइड वाले डिजाइंस है ना, वो थोड़ा सा ग्रे कलर में है, और मिडिल में एकदम क्रिस्टल, वाइट क्रिस्टल्स का डिजाइन है. तो ये ना ऑल स्किन टोन्स ऑफ पीपल के लिए अच्छा रहेगा. कई बार ऐसा होता है कि डस्की स्किन टोन पर एकदम चटाक वाइट कलर क्रिस्टल्स अच्छे नहीं लगते, तो उन पर इस तरीके के क्रिस्टल्स काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करेंगे. तो इसके साथ आपको इस तरीके के लॉन्ग ईयरिंग्स मिलेंगे, तो अगर आप ये वाला नेक पीस नहीं भी पहनना चाहते, सिर्फ ईयरिंग्स को भी आप वेयर कर सकते हैं. लुक अमेजिंग किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ, किसी भी ब्लैक आउटफिट के साथ, किसी एथनिक वेयर के साथ भी आप इस तरीके की ज्वेलरीज को पेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट मैंने ये ब्यूटिफुल सा चोक भी मंगाया था फ्रॉम Amazon. ये है फ्रॉम द ब्रांड सुखी, और ये जब मैं वीडियो शूट कर रही थी उस वक्त तो नहीं आया था, लेकिन बाद में जब आया तब मैंने इसे पहनकर ये वीडियो शूट कर लिया था. ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, एंड दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड. आप इसे एथनिक वेयर के साथ ईजिली पेयर कर सकते हैं. इसके साथ आपको ईयरिंग्स भी मिलते हैं, विच इज़ ऑफ गुड क्वालिटी. सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप मेरा आज का ये ज्वेलरी हॉल वीडियो आप सबको अच्छा लगा. वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलिएगा. मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. बाय.